Good morning students, my name is Deepak Garg. Today I will teach you chapter 18, जो पहले हमारा part 1 हो चुका है, आज उसी के आगे का start करते हैं. गुप्त साम्राज्य के जो पतन के बाद हमारा चल रहा था, उसके बाद next point आता था हमारा important है, जो हर्षवर्धन है हमारा 606 AD से लेकर के 647 AD तक. तो हर्षवर्धन कहते हैं After Prabhavardhan, Harshvardhana ascend the throne, who is regarded as the last emperor of ancient India. When Harshvardhana ascend the throne, he was hardly 16 years old. It was a to him because the rulers of Gaur, Bengal and Vallabhi Gujarat had treacherously murdered brother In-law and ruler of Kannauj, Grihavarman, followed by the murder of his elder, Rajyavardhana. So the first task before Harshvardhana was to secure his kingdom. He took kingdom was Kannauj and united the two kingdoms. Then he made Kannauj his capital strength, his position for some time. So Prabhakar Vardhan ke paschat, प्रभाकर वर्धन के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे, जिन्हें प्राचीन भारत का अंतिम सम्राट माना गया. जब हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे, वे ओनली 16 एज के थे. वे उनके लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि गौर बंगाल तथा बल्लभी गुजरात के शासकों ने उनके बहनोई व कन्नौज के शासक गृहवर्मन को मार दिया था. तत्पश्चात उन्होंने उनके बड़े भाई राज्यवर्धन को भी मार दिया. इसलिए हर्षवर्धन के सामने प्रथम कार्य उनके राज्य की सुरक्षा थी. उन्होंने सर्वप्रथम कन्नौज को अपने राज्य में मिलाया एवं कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया और कुछ समय के लिए अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया था. और आफ्टर सिक्स ईयर 606 ईस्वी से 612 ईस्वी हर्षवर्धन ने युद्ध में व्यतीत किया था. सर्वप्रथम इन्होंने बंगाल के शासक शशांक को पराजित किया. इसके बाद इन्होंने पंजाब, पूर्वी राजस्थान तथा असम तक का संपूर्ण गंगा डेल्टा अपने अधिकार में ले लिया था. द टू चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हर्षवर्धना एंड द हर्षचरिता द रिटन बाय ए वानाभटा एंड द स्यूकी द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड रिटन बाय टी सिंह. तो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के दो मुख्य पात्र हमारे पास श्रोते हैं, वानाभट द्वारा लिखी हर्षचरित, हर्ष की आत्मकथा और वेन स्वांग द्वारा लिखित सी यू की पश्चिमी विश्व का विवरण है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता हमारा एडमिनिस्ट्रेशन. तो हान चंग वॉज एडमायर हर्षवर्धना फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन. ही सेज दैट इट वॉज वेल एंड जीनियस. टैक्स वॉर रेस्पॉन्सिबल. द टोटल इनकम ऑफ द किंगडम वॉज स्पेंट थस ऑन गवर्नमेंट, 1/4 ऑन पब्लिक सर्विसेज एंड वेलफेयर, 1/4 ऑफ हेल्पिंग द बॉडी एलिमेंट्री एजुकेशन इन टेम्पल्स एंड 1/4 ऑफ हेल्प स्कॉलर्स है हायर एजुकेशन. दस दैट ही पेड पर्टिकुलर अटेंशन टू एजुकेशन. तो हेन सांग ने हर्षवर्धन के प्रशासन के लिए उनकी प्रशंसा की. वे कहते हैं कि उनका प्रशासन सुव्यवस्थित व उदार था और स्वीकार्य था. संपूर्ण आय का 1/4 भाग प्रशासन पर, 1/4 सार्वजनिक कार्यों व कल्याण कार्यों पर, 1/4 साधु संतों तथा मंदिरों की प्रारंभिक शिक्षा पर तथा 1/4 विद्वानों एवं उच्च शिक्षा पर व्यय किया जाता था. इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता था. हर्षवर्धन ने एक विशाल व मजबूत सेना व्यवस्थित की थी. अपराध कम होते थे पर दंड कठोर थे. कुछ निश्चित अपराधों के लिए मृत्युदंड भी उनके काल में दिया जाता था. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एजुकेशन. तो शिक्षा का क्या रहा वहाँ पर? तो शिक्षा हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट टेम्पल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ हॉलीमैन, वाइल हायर एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी. तो जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा साधुओं के देखरेख में मंदिरों में दी जाती थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय भी था. अब नालंदा विश्वविद्यालय क्या करा रहा था मैंने?
द नालंदा यूनिवर्सिटी विच वॉज सेट अप द ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो गुप्त काल में बनवाया गया था इस काल में अपने उच्चतम शिखर पर था। यह विद्यालय सिक्स मंजिला था जिसमें बहुत से विद्यालय व तीन बड़े पुस्तकालय थे। विद्यार्थियों को अध्ययन तथा छात्रावास में रहने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता था, किंतु प्रवेश के मापदंड बहुत ही कठोर थे। पाठ्यक्रम में व्याकरण, तर्क, औषधि, खगोल शास्त्र, दर्शन, तत्व मीमांसा, ऐसा ब्राह्मणवाद का अध्ययन व बौद्ध धर्म का अध्ययन आदि विषय सम्मिलित थे। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से लेकर के 10,500 थी, जिन्हें 1510 प्रतिष्ठित पद विद्वानों द्वारा शिक्षित किया जाता था। विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान व विरल योग्यताओं वाले व्यक्ति थे। हर्षवर्धन 10 गांवों की आय विश्वविद्यालय पर खर्च करते थे। इसके अतिरिक्त धनी लोग भी उदारता से इस विश्वविद्यालय को दान देते। हिंसांग ने भी इस विश्वविद्यालय में 5 वर्ष शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोसाइटी, यानी कि इस काल में हमारा समाज कैसा रहा है। तो द पीपल ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रूल्स वर सिंपल इन फूड क्लोथ एंड शेल्टर, दे एट वेजिटेरियन फूड एंड अवॉइडेड अनियन एंड गार्लिक, दे ड्रोर वॉर अनसटिस्ड गारमेंट्स, द पुअर पीपल लिव्ड इन मड हाउस एंड द रिच लिव्ड इन ब्रिक हाउस, द फ्लोर्स वर प्लास्टर्ड विद कवडंग काउडंग रेगुलरली। तो जो हर्षवर्धन के शासनकाल में लोग साधारण भोजन ग्रहण करते थे, साधारण वस्त्र धारण करते थे और साधारण घरों में रहते थे, शाकाहारी भोजन करते थे, प्याज व लहसुन को खाने से परहेज करते थे, वे बिना सिले वस्त्र धारण करते थे। गरीब लोग मिट्टी के बने घरों व धनी लोग ईंटों के बने घरों में रहते थे। फर्श को निरंतर गोबर से लीपा जाता था और लोग पारंपरिक वर्णों में तथा बहुत सी जातियों व उपजातियों में बटे थे। एक ही जाति में एक जाति तथा जाति के बाहर भी बहुत सी वर्जनाएं थी। विशेषतः भोजन व विवाह मृत पति की चिता की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर देती थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय क्या था हमारा? बिसाइड एग्रीकल्चर मैनी अदर ऑक्यूपेशंस वर इन वॉ जनरली असन फॉलोड हिज फैमिली ऑक्यूपेशंस। तो कृषि के अलावा और भी व्यवसाय चलन में थे। सामान्यतः पुत्र अपने पैतृक व्यवसाय का ही अनुकरण करता था। रिलीजन, अब रिलीजन में क्या था हमारे धर्म में, रिलीजन कहते हैं धर्म को। तो इन द बिगिनिंग हर्षवर्धन वर्शिप्ड शिवा बट लेटर द टर्न टू बुद्धिज्म मच लाइक अशोका एंड कनिष्का हेल्प द स्प्रेड इट। ही बिल्ट न्यू मोनेस्ट्रीज एंड ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द ओल्ड वंस। ही ऑल्सो गेव दैम लाइबरल ग्रांट्स द फॉलोअर्स ऑफ मायान सेट ऑफ बुद्धिज्म। ही यूज टू कॉल एनुअल बुद्धिस्ट कन्फ्रेंस एवरी ईयर इन ऑर्डर टू प्रोपेट इट। तो जो आरंभ में हर्षवर्धन शिव की आराधना करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अशोक व कनिष्क की तरह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनकी ही तरह इन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षित किया था तथा इसके प्रसार में सहयोग किया। इन्होंने नए मठों का निर्माण व प्राचीन मठों की मरम्मत करवाई। इन्होंने मठों को उदार अनुदान भी दिए। इन्होंने मठों को उदार अनुदान भी दिए। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। ये प्रतिवर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वार्षिक बौद्ध सभा का आयोजन भी करते थे। द टू ब्रांचेस ऑफ हिंदूज प्रिविलेंट वर वैष्णव एंड द नॉर्थन इंडिया इज द शैव। वैष्णव और शैव दो संप्रदाय थे हिंदू धर्म के, जो कि द साउथर्न इंडिया अ न्यू सेट ऑफ बुद्धिज्म वज्रयान टू हेड स्टार्टेड टू कम इन टू बींग। तो बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय वज्रयान भी अस्तित्व में आया। अब कंक्लूजन, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो बौद्ध
फाइनल थिंग द बुद्धात्मा हैव्ड डिस्क्राइब्ड हर्षवर्धन वॉज लिबरल किंग a great general and able administrator and a great patron of education and arts. He died in 647 AD. With this, India was again fell a disorder as several small kingdoms arose and started to fight with one another. तो जो इसका निष्कर्ष निकलता है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि हेसंग और बाणभट्ट दोनों ने ही हर्षवर्धन को उदार राजा, एक महान जनरल, एक योग्य प्रशासक और शिक्षा व कला का एक महान संरक्षक बताया था, जिनकी डेथ हमारी 647 ईस्वी में हुई, जिसके साथ ही भारत में एक बार फिर अस्थिरता फैल गई क्योंकि बहुत से छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और उन्होंने आपस में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। स्टूडेंट, इसी के साथ आपका चैप्टर 18 एंड होता है। आप सभी को अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, बुक से स्टडी करनी है। चैप्टर 18 तक आपका हाफ ईयरली का कोर्स भी कंप्लीट होता है। आप सभी को चैप्टर 18 तक के नोट्स सेंड किए जा रहे हैं। इसके साथ आपको अपनी नोटबुक में चैप्टर 18 तक का रिटन वर्क और बुक वर्क करके कंप्लीट करना है और लर्न करना है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।